बहादुरगढ़ में एक सनकी आशिक ने एक तरफा प्रेम के चलते अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, जब युवती के परिजनों ने उसके मोबाइल पर कॉल किया तो आरोपी आशिक ने कहा कि शिवानी अगर मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होगी, मैंने उसे मार दिया है, सुबह उसका शव ढूंढ लेना। आरोपी आशिक और मृतक युवती के परिजनों की एक कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आई है, जिसमें सनकी आशिक शिवानी की हत्या की बात कबूल कर रहा है। युवती का शव सुबह के समय जाखोदा गांव के असोदा जाने वाली सड़क के किनारे एक खेत में मिला। घटना की सूचना मिलते ही असोदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच में जुट गई। मृतक युवती की पहचान करीब 22 वर्षीय शिवानी के रूप में हुई है। शिवानी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की रहने वाली है। वह फिलहाल जखोदा गांव में अपने माता पिता के साथ एक किराए के कमरे में रहती थी और प्लास्टिक दाना बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करती थी। शिवानी की माँ उषा ने बताया कि शिवानी की शादी के बाद वो अपने पति से अनबन के चलते अलग रह रही थी। इसी बीच सौरभ नाम के एक युवक के साथ उसका प्रेम प्रसंग हो गया। इसके बाद शिवानी अपने परिवार को छोड़कर सौरभ के साथ हरिद्वार भाग गई थी। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन बाद में सौरभ शिवानी के साथ मारपीट करने लगा। करीब 1.5 महीने पहले शिवानी सौरभ को छोड़कर अपने माता पिता के पास वापस आ गई। इसी बीच शिवानी की उसके पति के साथ भी बातचीत शुरू हो गई। यह बात सौरभ को अच्छी नहीं लगी। आरोपी सौरभ करीब 10 से 12 दिन पहले शिवानी से मिलने हरिद्वार से आया था और शिवानी को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन शिवानी ने उसे अपने साथ चलने से मना कर दिया था। इसके बाद से ही सौरभ शिवानी पर साथ चलने का दबाव बना रहा था। सौरभ कल देर रात शिवानी को जबरदस्ती अपने साथ ले गया। शिवानी के माता पिता ने शिवानी को ढूंढने का खूब प्रयास किया और जब उन्होंने शिवानी के मोबाइल पर कॉल किया तो फ़ोन सौरभ ने उठाया और कहा, शिवानी अगर उसकी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होगी, शिवानी अब इस दुनिया में नहीं है, मैंने उसे मार दिया है, कफन का इंतज़ाम कर लो, उसके जनाजे में काम आएगा, कल सुबह उसका शव मिल जाएगा। आरोपी आशिक सौरभ और शिवानी के परिजनों की फ़ोन पर हुई बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग भी सामने आई है, जिसमें सौरभ का गुस्सा सातवें आसमान पर लग रहा है। सौरभ बार बार यह भी कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि मैंने कहा था कि शिवानी को समझा लो, लेकिन तुमने समझाया नहीं और ना ही वह मानी, इसलिए मैंने उसे मौत के घाट उतार दिया है। फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग में आरोपी शिवानी के परिवार के अन्य सदस्यों को भी जान से मारने की धमकी देता हुआ सुनाई दे रहा है। इसको सौरभ को पता मतलब चला, ये कह रहा था सौरभ कि ना तो तुम शिवानी विमलेश के पास तुम रहोगे और ना जब हमारे पास नहीं रहोगे तो अगल अगल तीनों लोग दद्दर भटको, लेकिन कोई तीर ना रहो। और इसीलिए हमका हो सकता है रात में पता नहीं कैसे उठा के ले गया कि मुंह में कपड़ा बांध के 2-3 जन लेके गए। सर मैं सो रही थी, सब लोग जान नहीं पाया कितने खन कैसे क्या हुआ। जब ये 2-2.5 बजे बच्चा रात को जागा, मम्मी मम्मी किया तो मेरी आँख खुली कि बच्चा ये रो रहा है क्यों। हमने कहा शिवानी शिवानी, तो शिवानी बोली नहीं, चप्पल अप्पल सब वहीं पे पड़ी थी, कुछ नहीं यहाँ से लेके गई। कब सूचना मिली आपको, क्या हुआ? 2-2.5 बजे रात को। क्यों हुआ? शिवानी वाला नंबर मतलब फोन हमारा शिवानी का या सौरभ के पास। जब ये शिवानी मिली नहीं रूम पे तो फोन लगाया शिवानी के पास, ये सौरभ उठाया 15-20 मिनट, इसने बोला नहीं कुछ, बस कॉल जा रही बोला नहीं। फिर बोला कि देखो शिवानी को तो मैंने ख़त्म कर दिया है और उसके दफन के लिए तुम कफन खरीद रखो और अब शिवानी दुनिया में नहीं रह गई और उसके लाश को ढूंढ लो के जाके, ऐसे बोला। तो हम लोग उसका रूम भी नहीं जानती थी सौरभ को, तो पता करते करते सुबह पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल भिजवाया है। इतना ही नहीं, शिवानी के परिजनों के बयान के आधार पर आरोपी सौरभ के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है, उसकी तलाश भी शुरू की गई है, लेकिन सौरभ फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर पुलिस कब तक सनकी आशिक सौरभ को सलाखों के पीछे भिजवाने में कामयाब हो पाती है। A1 हरियाणा के लिए बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़ की रिपोर्ट। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।